Okay, wonderful. So shall we start? Yes. Yeah, because there will be some people from YouTube also directly watching, and some people will join on Zoom as usual. So right. We'll start with prayer. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हरि ओ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओ ओम श्री विश्वेश्वराय नमः ओम श्री विश्वेश्वराय नमः ओम श्री विश्वेश्वराय नमः ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः जय गुरुदेव। वेलकम संजीव भाई और वेलकम अरुण खंडेलवाल जी, क्या बात है। गोविंद काचा जी, मीनाक्षी एंड दिनेश महाजन जी, क्या बात है। अरे वाह, तारापुर भी इधर मौजूद है। गोविंद काचा जी राजकोट से भी है। शुभांगी सांगेकर दांद्रा, चंद्रा दवे माटुंगा, सुरेश जमनानी, अरे वाह, आप सबका इस रिचार्जर में, इस इसराइल रिचार्जर में आपका बहुत प्यार से मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस सुहानी संध्या में हम संगीत में एक बहुत सुंदर सी यात्रा करने वाले हैं, और उसके लिए हमारे साथ में हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मेलेडियस ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट सिंगर, ग्रेट वंडरफुल एसएसवाई टीचर, इनिशिएटर, और हमारे देवी आश्रम के ट्रस्टी भी हैं, और कई प्रोजेक्ट्स में वो जुड़े हुए हैं। कातर खड़क का गुरुकुलम और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सेवा भाव से वो हमेशा लास्ट 25-30 साल से वो जुड़े हुए हैं। उनका काफ़ी वास्तव्य अमेरिका में भी रहा, और कुछ सालों से वो वापस अब हिंदुस्तान आए हैं और इधर सेवा दे रहे हैं। और हम बहुत लकी हैं कि आज उनका उनका गाने का गाना महोत्सव हम करने वाले हैं। और आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये हमेशा उनका सत्संग रहता है तो मुझे मौका नहीं मिलता, कुछ ना कुछ दूसरी प्रोग्राम्स रहते हैं। आज भी वैसे इवनिंग का ऑनलाइन एसएसआई चालू है, उधर भी मेरा सेशन है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा टाइम के लिए तो मैं आज लाइव प्रोग्राम उनके साथ में अटेंड कर रहा हूँ। उसके लिए मैं बहुत ही खुश अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। तो चलो अभी हम संजीव जी आपका बहुत प्यार से हम स्वागत करते हैं, और आई रियली लव यू, आई रियली एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल योर सेवा भाव, ऑल योर क्रिएटिविटी एंड ऑल योर मेलेडियस कॉन्ट्रीब्यूशन SSY टॉप 10 जो पूरे दुनिया में छा गया है, और इट इज लाइक अ मास्टरपीस, लीजेंडरी मास्टरपीस हमारे लिए। तो आज भी हम इस संगीत संध्या में आपके साथ में हम ज्वाइन होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वंस अगेन, एंड वी कैन स्टार्ट, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। मैं कुछ, जैसे मैंने बताया, कुछ समय के बाद में मैं नहीं रहूँगा, लेकिन प्रीति जी विल कम एंड I help you at the afterwards. She will also. She's at the moment in the smile assessment, online assessment. So, बाद में वो continue करेंगे. जय गुरुदेव, प्रणाम. आपको शतशा प्रणाम संजीव जी. जय गुरुदेव. और सभी श्रोता, सभी जो YouTube पे जो live है देख रहे उनको भी, और जो भी Zoom पे है उन सबका भी बहुत 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 प्यार भरा आपको प्रणाम और welcome. सुस्वागतम. जय गुरुदेव.
थैंक यू अजय, वंडरफुल, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया, बहुत बहुत अच्छा मजा आया। और ये खास तौर पे जब जूम पे देखते हैं तो बिल्कुल सामने ही है आपका चेहरा तो जुबानी अपना जो भी आपने एक्सप्रेस किया, इट इज सो वंडरफुल। एंड और ये जूम का अच्छा है कि यू कैन स्टेयर एट समबडी विदाउट मेकिंग देम अनकंफर्टेबल। So I was just watching you very, very closely and just enjoying your innocence and your smile and your just your open heart, which is so obvious. तो ये zoom कर पे कर सकते हैं, normal person to person ऐसे एकदम सामने देख नहीं सकते। तो कुछ advantages भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये zoom की वजह से ये सब अभी मुमकिन हो रहा है। जैसे भी एक Chinese है, जो भी है, लेकिन अभी जब तक हमारा Indian अच्छा इस तरीके का अल्टरनेटिव नहीं आता, हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं इंडियन अल्टरनेटिव के लिए, लेकिन अब तक वो नमस्ते इतना नहीं पावरफुल हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि हम दुनिया के सभी लोगों के साथ में बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, ब्यूटीफुल। लास्ट वेंसडे को हमने ऐसे ही म्यूजिकल प्रोग्राम मीरा का किया था, जिसमें जगह से हमारी गायिका बहुत आप जानते ही है, प्रोफेशनल सिंगर जो हमारी शीला तांबे, वो भी वो गा रही थी, और अश्विनी और इधर से बैंड्रा से हम परफॉर्म कर रहे थे, मैं भी इधर से ही म्यूजिक सब करके मैं भी गा रहा था इधर से, और वो उधर तबला और गाना उधर कर रही थी। तो फर्स्ट टाइम हमने म्यूजिकल भी इस तरीके से किया, और इस तरीके से और भी हमारे जो मेन हमारी सबसे पहली बार जो गायिका थी रूपाली, वो अभी यूएस में है, तो अभी एक उसके साथ भी लेके अभी तीन चार लोग अलग अलग जगह पे से करके हम प्रोग्राम करने का इरादा कर रहे हैं। वेरी नाइस वंडरफुल वंडरफुल। तो जब तक वो करते हैं तब तक मैं बाकी लोगों को भी मैं वापस स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र खुराना जी अनुशक्ति नगर से, बहुत अच्छा। मुसाविर सैयद जी, ओके। और कौन, महेश पाटिल जी, आपका भी स्वागत है। कोमल पात्रा जी अरे वाह, दिल्ली से भी इधर मौजूद है। कविता कोड़ी, अच्छा अरे वाह। और यस, चैताली जी भी पुणे से ज्वाइन कर रही है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ग्रेट। या प्लीज कविता एंड कोमल एंड मुसाविर सैयद, ऑल पार्ट ऑफ द सेम एनर्जी। ऐसे शायद किया होगा, नहीं किया होगा पता नहीं, बट यही एनर्जी में सब वननेस में साथ में ही है। सो वेरी गुड, वेलकम टू एवरीबॉडी। So, हमने बहुत शास्त्रों में या कहीं किताबों में और कहीं जगह में हमने पढ़ा है, बहुत जगह में, कि हम सब एक है, that consciousness is one, that we are one, और हम at the being level सभी एक ही है। तो हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन क्या हम इस बात को समझते हैं और जानते हैं, और किस हद तक समझते हैं ये बात को, और किस हद तक ये जानते हैं कि मैं जो हूं वही आप है वही मैं हूं। ये मतलब सुनने को कहने को अच्छा है, लेकिन क्या हम जी पाते हैं इसे, और जी नहीं पाते हैं तो इसकी वजह क्या है कि इसको हम जानते हैं सचमुच में, अनुभव करते हैं, और किस हद तक हम इसको अनुभव करते हैं रोज बरोज के लाइफ में कि हम सब एक है, सभी भगवान का रूप है। तो
इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको जानना भी इम्पोर्टेंट है. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू, एक इसकी और डीपर हम समझते हैं कि ये, लेट मी जस्ट सॉरी, ये इसको थोड़ा मैं स्क्रीन मैक्सिमाइज करता हूं ताकि सारे चेहरे मुझे दिखे. और अगर वीडियो है आपके पास तो वीडियो प्लीज ऑन करिए, दैट विल बी नाइस. ऑडियो भी अच्छा रहेगा, हम शेयरिंग थोड़ा बहुत करेंगे तो, लेकिन मेन आप वीडियो ऑन कीजिए तो हम देख सकते हैं एक दूसरे को. तो ये जो सत्संग का माहौल है वो थोड़ा सा एज इट इज, ये लॉकडाउन और डिस्टेंसिंग के वजह से हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस तो ज्यादा है ही एट वन लेवल, तो एटलीस्ट वीडियो से हम एक दूसरे को देख सकते हैं. और हाँ, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, सारे वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है. एवरीवन कैन टर्न ऑन योर वीडियो. हाँ मुसव्विर, ओके ग्रेट. तो एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेशन एक साथ में, ये जानने के लिए कि क्या हम, देखिए दो कोई भी बात अगर है तो उसके दो, कम से कम दो मायने होते हैं या दो पहलू होते हैं. तो एक तो ये है कि ये बात आप दिमागी तौर पे समझ सकते हैं, यानी इंटेलेक्ट से आप समझ सकते हैं या जान सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप इसको अनुभव के तौर पे जानते हैं. तो मान लो मैंने एक गरम चाय का कप आपको दिया, चाय तो पीते नहीं शायद, ऐसे समय में कषाय देते हैं, गरम कषाय दिया आपको हाथ में, तो कषाय दिया तो आप, मैं कहूंगा कि ये गरम है, देखिए आप थोड़ा सा संभाल के पीना इसको. तो मैं कहूंगा कि इसका देखिए टेम्परेचर है 100 एंड यू नो मे बी 96-97 डिग्रीज और 110 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास है, या 80 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सीसी है. इसकी विस्कोसिटी वगैरह है, इसका कलर ये है, इसका ये वो है वो है, लेकिन मैंने कप आपको अभी तक दिखाया नहीं. तो आप मान भी जाएंगे कि हाँ ये गर्म है शायद, क्योंकि मैंने बताया कि टेम्परेचर ज्यादा है. लेकिन उसको आप अनुभव के तौर पे अगर देखेंगे, उसको छू के देखेंगे या चख के देखेंगे या उसको उसको होठों पे लगा के देखेंगे, तब एक दूसरा ही उसकी उसकी एक अलग ही समझ आ जाएगी. और वो जो चखने वाली या टेस्ट करने वाली जो वाला जो अनुभव है, वो आप ज्यादा उस पर यकीन करेंगे या आपको जो टेम्परेचर वगैरह बताया वो यकीन करेंगे? तो एक नंबर का आंसर है टेम्परेचर, दो नंबर का आंसर है अनुभव. तो आप बताइए वीडियो पे, एक या दो, कौन सा यकीन करेंगे, एक नंबर या दो? दो, चित्रा कह रही है दो, हाँ सब कह रहे हैं दो, क्योंकि अनुभव पे आप देखेंगे तब आपको 100% आपको ये एक तरह की कॉन्फिडेंस है, एक तरह का आपका ये आप बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सत्य है. तो सत्य जो है, सत्य का अगर तोलना है हमें कि कोई बात सच्ची है या नहीं, तो अगर दो चॉइस है हमारे पास, एक दिमागी तौर पे हम समझे और दूसरा है कि हम अनुभव के तौर पे समझे, तो हम मानते हैं कि हमेशा हम अनुभव के ऊपर ही जाएंगे. कि हमें अगर ये बात का अनुभव होता है तो हम बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सत्य है. तो ये जो हम बात कर रहे हैं वननेस की, वननेस, सभी एक है, सभी भगवान का रूप है, सभी भगवान का ही एक एक्सप्रेशन है, या भगवान ही हर एक में, भगवान कहो जो भी आप नाम कहना चाहते हैं कहो, ये जो डिवाइन है, अल्लाह है, जो ईश्वर है, जो शक्ति है जिसको जो चला रही है, वही मेरे में और आप में वही शक्ति है, अलग नहीं है. हमारे शरीर अलग हो सकते हैं, हमारी जुबान अलग हो सकती है, हमारे चेहरे अलग है, लेकिन जो शक्ति या ऊर्जा जो आपको चला रही है
वही ऊर्जा मुझे भी चला रही है, एक है, दो नहीं है। तो ये अनुभव के तौर पे हम कैसे जान सकते हैं? तो ये छोटा सा एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये आंखें खोल कर ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आपके सामने जो भी है उसकी तरफ आप देखिए। मान लो ये अजीब सा एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास। यो ये बैंकॉक से मैंने लिया था, जस्ट आई विल शो यू। ये जो है वो एनर्जीज को आप बॉडी में, आप इसको एनर्जीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बाद ये इंस्ट्रूमेंट से आप अपने शरीर को इस तरह से सर्कुलेशन के लिए ये यूज होता है। ओके, ये लकड़े का केन का बना हुआ है और ऐसा है। तो अभी सभी आप इसको देख सकते हैं, इसको ब्रूम कहते हैं, एनर्जी ब्रूम। तो एनर्जी ब्रूम से आप शरीर में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये है। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि अनुभव के तौर पे इसका ये क्या है आपके सामने, अनुभव के तौर पे बताइए कि आपके सामने क्या है। चलो एक सिंपलर चीज लेते हैं। ये इसका कवर है, जो चीज ब्रूम था ये कपड़े का, सैटिन का कवर है। ओके, रेड कलर का ये कवर है। तो मैं पूछूंगा आपको कि आप अनुभव के तौर पे आपके सामने क्या है, इस वक्त सामने क्या मौजूद है, व्हाट इज प्रेजेंट राइट नाउ। अगर मैं आपको पूछता हूं तो जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। आई विल जस्ट, हाँ, कोई भी रेज करेगा, आई विल जस्ट अनम्यूट, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू आंसर। What is in front of you? Who is speaking? हाँ, किसी ने अनम्यूट किया? सुरेश? ओके, एनीवे आई आस्क एवरीवन, आपके सामने क्या है, क्या मौजूद है? हाँ, कविता जी बताइए। रेड कलर का कपड़ा है। हाँ, रेड कलर का कपड़ा है। ओके, आप साधारण तौर पे कहेंगे कि रेड कलर का कपड़ा है। तो ये एक लेवल पे या एक स्तर पर आप जो कह रहे हैं ये सच है, लेकिन इसको और गहराई में देखते हैं कि सच्ची क्या है। आपके सामने रेड कलर का कपड़ा है कि क्या है ये? तो रेड कलर, एक तो ये कपड़ा है, ये एक आपका इसको लेबल है, ये अनुभव नहीं है। ये आपने बहुत सालों से, बचपन से आपने किसी ना किसी ने बताया है कि ऐसा कपड़ा ऐसा होता है, तो इसको आपने नाम दे दिया कपड़ा। तो ये कपड़ा है, ये अनुभव वाला सेंटेंस नहीं है। ये एक्चुअली सिर्फ दिमागी असेसमेंट है, लेबल है आपने जो दे दिया, ये कपड़ा है। तो अनुभव के तौर पे क्या है मौजूद, व्हाट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू एज एन एक्सपीरियंस। आप जो बोल रहे हैं कपड़ा है, एक लेवल पे सच है, बट डीपर लेवल में ये क्या है? डीपर लेवल पे जाएंगे तो क्या है? कौन बताएगा? हाँ, अरुण, अरुण खंडेलवाल बोलिए। You can unmute yourself or I'll unmute you 1 minute. Yeah, it's a envelope. Envelope भी एक label है, it's a cover, क्योंकि इसमें वो energy broom जो है मैं इसमें डालता हूँ, तो इसको envelope बोल सकते हैं। अनुभव के तौर पे ये क्या है? अनुभव क्या हो रहा है आपको? आप सोच रहे हैं ये cover है, सच है, ये कपड़ा है, सच है। अनुभव, देखिए, अनुभव और विचार दो अलग चीजें हैं। तो अनुभव के तौर पे क्या है? हाँ, दिनेश जी बताइए। सिंपल लाइट, लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय आईज। ब्यूटीफुल, गिव हिम अ बिग हैंड।
लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय हैंड्स ऑन माय आईज. लाइट, इसकी लाइट जो है ये एक लाइट और कलर का एक खेल है जो मेरी आंखों के ऊपर आके गिर रहा है और कुछ, और मैं कह रहा हूं कि ये एक लाल कलर का, एक कलर का लाइट या गेम मेरे अनुभव के तौर पर ये है. अनुभव तौर पर ये कपड़ा भी नहीं है, कवर भी नहीं, अनुभव के तौर पर ये लाइट और कवर है. लाइट और कलर का एक खेल है. ओके, परफेक्ट, वेरी गुड. चलो इसको और एक लेवल आगे जाते हैं, क्योंकि लाइट और कलर भी अंत में ये भी एक एक तरह का एक्सप्लेनेशन या लेवल है. तो और डीपर लेवल में क्या है, क्या मौजूद है? हाँ बताइए दिनेश जी. एनर्जी. एनर्जी, ओके. देखिए एनर्जी ना, हमने ये भी एक सीखी हुई चीज है या किसी ने बताया है, पढ़ा है. आप अनुभव क्या कर रहे हैं, अनुभव के तौर पर क्या है एनर्जी? ओके, वी कैन से फिजिक्स में हम देख सकते हैं कि लाइट इज एन एनर्जी एंड दिस, बट अगेन वी आर गोइंग बैक इनटू अ लेबल. वो लाइट और कलर से डीपर जाना है, उसके ऊपर नहीं आना. सेफ्टी. हाँ सेफ्टी, सेफ्टी. चित्रा जी क्या बोल रहे हैं? सेफ्टी है, कवर इज सेफ्टी. सेफ्टी, सेफ्टी कवर. नहीं तो ये तो उसका उपयोग है या उसका काम है, बट एट एन एक्सपीरियंस लेवल, व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग? एक अनुभव, एक अनुभव. अच्छा आप देखिए, ये लाइट, ये एक लेवल पे ये कवर है, दूसरे लेवल पे ये कपड़ा है, तीसरे लेवल पे ये लाइट है और कलर है. और एक लेवल अगर डीप जाएंगे तो आप इसके बारे में, अगर ये चीज का सत्य क्या है, बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ 100% कह सकते हैं अगर, तो आप ये कह सकते हैं कि एक अनुभव मुझे हो रहा है, एक अनुभूति हो रही है, मुझे एक अनुभूति हो रही है, इसकी एक एक्सपीरियंस हो रहा है. तो क्या मौजूद है? तो एक एक्सपीरियंस मौजूद है. आप देखेंगे कि ये एक अनुभव प्रेजेंट है इस वक्त आपके सामने. उसके आगे आप ज्यादा मतलब बोल नहीं सकते विद कॉन्फिडेंस. एक अनुभव हो रहा है, कुछ तो अनुभव हो रहा है, सबको कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है, ये देखकर कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है, वो ही बोल सकते हैं. तो ये जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव अगर हम पूछते हैं अपने आप से, हाँ अमृता जी कहती आई डोंट नो, या बट यू नो समथिंग इज देयर, यू डोंट नो व्हाट इट इज बट समथिंग इज देयर, समथिंग इज प्रेजेंट, कुछ तो प्रेजेंट है, भीतर खोजना है. यस, दिखा रहे हैं, वो दिख रहा है, करेक्ट. तो ये क्या है? ओके, हम अब अपने आप को पूछते हैं कि ये क्या है, असल में इसका सत्य क्या है. हाँ दिनेश जी. इट इज माय ईगो, समथिंग आई एम रिफ्लेक्टिंग. या यू आर एक्चुअली वेरी वेरी क्लोज. यू आर कॉलिंग इट ईगो, बट इट मीन सी दैट यू आर नॉट श्योर. ईगो भी एक लेबल हो सकता है, बट यू आर वेरी वेरी क्लोज, क्योंकि ये जो जो भी है सामने, ये मेरा अनुभव है. ये आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये मेरा अनुभव है, कि ये मेरे सामने है जो भी है वो. और अगर आप, हाँ ये भी एक सोल है, ये भी एक सोल है, सोल है, चेतन, ये भी एक सोल है बोल सकते हैं. हाँ ये भी एक सोल है. यू आर कमिंग वेरी क्लोज, बिकॉज तो ये अनुभव जो हो रहा है, ये लाल कलर का, ये लाइट का, वो कहां हो रहा है या किसे हो रहा है, ये किसे हो रहा है ये अनुभव? हाँ
चंदन रंग का बोल रहे हैं, इनर डायमंड, ओके वंडरफुल। ये अनुभव ये जो हो रहा है इसका, वो किसे हो रहा है? सिंपल, किसे हो रहा है? सोल को। सोल, सोल किसे हो रहा है? सोल को हो रहा है, या सिंपल शब्दों में somebody कहेंगे या नहीं, लेकिन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में सोचो ना अपना। देखिए हमने जो भी सीखा है SSY में वगैरह वो साइड में रखा है। ऑर्डिनरी भाषा में किसी को कहेंगे कि ये अनुभव जो हो रहा है वो किसको हो रहा है, क्या कहेंगे आप? इनर, 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 एनर्जी को, भावना, एनर्जी भी बड़े बड़े शब्द है, किसको हो रहा है? सोल, सोल, सोल भी बड़ा शब्द है, सिंपल, मुझे, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, यार सिंपल रखो ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, जो मैं अपने आप को जो वो मैं कहता हूँ, मुझे ये अनुभव हो रहा है। और अगर और पूछेंगे कि ये अभी देखिए ये मुझे अनुभव हो रहा है और अभी मैंने इसको नीचे रख दिया तो ये जो अनुभव था वो चला गया। यस, जो भी अनुभव था उसको क्या नाम देना है वो बाद में सोचते हैं, लेकिन जो भी अनुभव था वो अभी नहीं है। यस और नो? करेक्ट, इट्स गॉन। तो ये मुझे जो जिसको ये अनुभव हो रहा था वो अभी तक लाल है या जो भी लाल था वो अभी चला गया? जो जिसको ये अनुभव हो रहा था वो है, अभी भी है, जिसको ये अनुभव हो रहा था वो अभी भी है, लेकिन वो जो जिससे अनुभव हो रहा था वो नहीं है, और जिसको अनुभव हो रहा था वो अभी भी लाल है या उसका कोई कलर नहीं है? है नहीं, अभी भी लाल है क्या? लाल, देखिए बात, देखिए ठीक से, वो अभी भी लाल है या जो जैसा था वैसा ही हो गया वापस? जैसा था, as it is, 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 सभी लोग देख लीजिए ये अपने आप के लिए, as it is back to the way it was before we started this experiment। तो ये जो मैं हूं, हम कहते हैं मुझे अनुभव हुआ, मैं हूं, मैं, वो मैं अभी है और वो मैं में वो लाल नहीं है, वो लाल का अनुभव नहीं है। फिर कुछ समय बाद वो लाल का अनुभव आया उसने और फिर वो अनुभव चला गया। तो जो मैं हूं जहां से यह अनुभव आ रहा है, ये लाल जो अनुभव था वो उसका मटेरियल क्या है, वो किसका बना हुआ है, वो उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, वो जो लाल अनुभव था वो किसका बना हुआ है? व्हाट इज इट मेड ऑफ, व्हाट इज द, हाँ शुभांगी बोलिए, नहीं कौन बोल रहा है, अरुण, अरुण बोलिए, रेज हैंड है चैत्रा, परसेप्शन ऑफ सेंसेस, चैत्राली जी कह रही है बस, कॉटन, अच्छा इट्स मेड ऑफ कॉटन यू आर सेइंग, ओके वेट 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 वेट, वंडरफुल। मन या बुद्धि से बना हुआ है, मीनाक्षी कह रहे हैं। ये अनुभव जो है, देखिए अगर एक एक दरिया है जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ दरिया पानी दिख रहा है, उसमें से एक वेव उभर आता है, निकल आता है और फिर थोड़े बाद, थोड़े समय बाद वो वेव चला जाता है। तो अगर जो चीज है उसमें से कुछ निकल आती है और फिर उसी में चली जाती है, मतलब अदृश्य हो जाती है, चली जाती है, तो वो चीज जो निकल आई वो किससे बनी होगी? पानी में से अगर एक मोज आता है
तो वो मोज किससे बना हुआ है? पानी में से. पानी से ही बना है ना, यू आर गेटिंग दिस, पानी से ही बना है. तो ये जो अनुभव था लाल का या इस चीज का कपड़े का, उसका एक्चुअल मटेरियल क्या है, वो अगर आप अपने को आपको अनुभव के तौर पे पूछेंगे तो वो बना हुआ कॉटन का नहीं है. एग्जैक्टली चित्रा जी बोल रहे मुझसे बना हुआ है. सो ये बहुत ही एक गहरा अनुभव के तौर पे समझने की बात है कि ये हम आम तौर से ये जब देखते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं ये बना हुआ किससे है, सैटिन से या कॉटन से. लेकिन हमने अभी ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि एक्चुअली इसकी बनावट है अनुभव, और अनुभव का बनावट या अनुभव बनाने वाली चीज जो है वो है मैं. तो मैं से बना हुआ है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल रियलाइजेशन दैट वी कैन ऑल हैव टुडे, दैट दिस इज नॉट मेड ऑफ सैटिन, इट इज मेड ऑफ मी. यू आर गेटिंग द पॉइंट. It is not made of satin. It is made of me. बहुत एक step by step गए और अनुभव के आधार पर गए हैं, ना कि बुद्धि के आधार पर. अनुभव के आधार पर देखेंगे तो ये इसकी बनावट, इसका material है मैं, not cotton. So ये जो एक understanding है, वो हम लेके अगर चलते हैं, ये जो हमने पहले शुरू में बात की कि oneness की जो बात की हमने, हम सब एक है, सभी भगवान का बना हुआ है, सभी उसी का बना हुआ है. तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, लेकिन आप कुछ भी ले लीजिए, एक विचार को ले लीजिए, एक आवाज को ले लीजिए, एक कुछ टेस्ट करते उसको ले लीजिए, आप कुछ छूते हैं उसको ले लीजिए, आप जो भी लेंगे एग्जाम्पल, उसको गहराई में अंदर अंदर अपने आप को ये पूछिए, ये जो मेरे सामने है वो किसका बना है. पहले आंसर आएगा ये मटेरियल है, लकड़ा है, ये है, वो है. दूसरा आंसर आएगा कलर है, लाइट है, ये है, वो है. फिर आंसर आएगा उसका जो उपयोग है. डीपर डीपर चार बार बार आप अपने आप को सवाल पूछेंगे कि ये किसका बना हुआ है, तो वेरी वेरी सून इन अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स यू विल कम टू दिस कंक्लूजन कि एक्चुअली बना हुआ है मेरे से, इसकी बनावट है मैं. हर चीज की, हर चीज एक अनुभव है, सारा ब्रह्मांड एक अनुभव है, और हर एक चीज जो है वो बनी हुई है मेरे से, मैं ही हूं सिर्फ. तो ये है एक अनुभव के तौर पे हम समझ रहे हैं वननेस की जो हम बात करते हैं, सभी एक है, सभी भगवान का स्वरूप है. तो right now we have gone through this quick exercise where you can quickly and easily ye dekh sakte hain ki na hi cheeze lekin har koi jo aapke anubhav mein aata hai uska finally uski banavat hai main. main yani ye sharir, main sanjeev nahi. jab hum main kehte hain ya dinesh ji aap kehte hain main, तो वो ये शरीर या ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिससे मैं बना हुआ हूं, वही ऊर्जा जिससे आप बने हुए हैं, वही ऊर्जा जिससे हर कोई और हर चीज बनी हुई है, उसी से बनी हुई है. और ये एक अनुभव के तौर पर हम देखते हैं. सो तो सो यू नो आई वी वांट टू मेक दिस लिटिल म्यूजिकल. तो यू ऑल, सम ऑफ यू नो मी, यू हैव हर्ड मी बिफोर. ऑलवेज जो भी सॉन्ग या यू नो व्हाटएवर आई सिंग, ये वननेस को लेकर या जो डिवाइन है उसी को लेकर हम ये गाते हैं. तो जो वर्ड्स है वही वर्ड्स है, लेकिन हम उसको, उसका डायरेक्शन थोड़ा सा, उसका फोकस या अटेंशन थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं. जैसे ही हम नॉर्मली या मूवी में या जो भी गीत लिखा है किसी प्रेमिका के बारे में या प्रेमी के बारे में, लेकिन उसको भी हम थोड़ी सी गहराई से समझेंगे तो
तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं कवि वो आखिर में वही एक है, उसी के बारे में ये गाना लिखा जाता है, वो एक जो है उसी के बारे में है। सो ये फॉर एग्जाम्पल ये सॉन्ग है हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो जब ये एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हम और अनुभव के तौर पर हम समझ जाते हैं कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ मी, आई एम आई द कैपिटल आई एम एवरीवेयर, दैट कैपिटल आई विच इज द डिवाइन विच इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वही है जहां भी हम जाते हैं, जहां भी देखते हैं, जो भी चीज हमारे सामने आ रही है। आज तक क्या था कि हमें लगता है कि हाँ दिनेश जी क्या कह रहे हैं, हाँ अच्छा म्यूट करते हैं, ओके हाँ कर दिया, ओके ओके हो गया। तो लगता है कि जो भी चीज है वो ये जो ऊर्जा है जो डिवाइन है उसको छुपाता है, क्योंकि उसके पीछे हमें डिवाइन दिखता नहीं है, जो लोग हमारे सामने आता है या जो ये चीजें हमारे सामने आती है, जो भी सामने आता है लगता है कि ईश्वर अल्लाह या डिवाइन छुपा हुआ है। लेकिन आज के बाद ये जो प्रश्न आपने आज सीखा है इसका सत्य क्या है, ये आप पूछते जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो सामने आ रहा है वो डिवाइन को छुपा नहीं रहा है, वो जो डिवाइन है उसको बता रहा है, इट इज रिवीलिंग द डिवाइन नॉट हाइडिंग द डिवाइन। जो भी अनुभव सामने आते हैं, जो भी व्यक्ति हमारे सामने आती है, वो डिवाइन को रिवील करता है, डिवाइन को दिखा रहा है, आपके सामने डिवाइन का एक रिफ्लेक्शन आपको सामने आ रहा है, और हर अनुभव जो है एक मौका बन जाता है उस डिवाइन को अनुभव करने का। यू अंडरस्टैंड, एवरी इंटरैक्शन, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी पर्सन, एवरी रिलेशनशिप, एवरी थिंग, हर चीज, हर व्यक्ति, हर लम्हा, हर पल एक मौका बन जाता है ये जो डिवाइन ऊर्जा है उसको देखने का, उसको देखने का एक मौका मिल जाता है और उसके साथ इंटरैक्ट करने का एक मौका मिल जाता है। तो जैसे हम ये SSY को सिद्ध समाधि कहते हैं, तो ये जो रास्ता है ये सीधा समाधि का रास्ता है। सिद्ध समाधि कहते हैं वो भी सही है,
लेकिन ये सीधा समाधि, तीन या चार प्रश्नों में आप सीधा समाधि तक पहुंचते हैं, क्योंकि जाहिर हो जाता है सामने कि जो मैं देख रहा हूं, जिस व्यक्ति को, जिस चीज को देख रहा हूं, वो मेरा अनुभव है और मेरा अनुभव बना है मेरे से, और मैं कौन हूं, और आखिर में मैं वो ऊर्जा हूं जो ना आती है ना जाती है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई जन्म नहीं है, जिसका कोई मौत नहीं है, वो ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि ये सीधा समाधि वाला रास्ता है, डायरेक्ट पाथ भी कहते हैं इसको, सीधा समाधि। सो तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू सफर मेरा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। जुनून है मेरा, बनू मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल। So when we, ये जब अवस्था आ जाती है तो पता लग जाता है कि हर चीज उसी की है, हर चीज वही है। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना नहीं मेरा जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है जो इनाम है मेरा। तू सफर मेरा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल। तू खुदा मेरा है, तू ही मेरी मन, दिल है मुश्किल। तो ये सत्संग से आप अगर कुछ ले जाएंगे तो यही एक आसान एक फॉर्मूला ले जाइए कि हर चीज जो है उसको थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आपको वो नजर आएगा, वो नजर आएगा वेरी वेरी इजीली एंड वेरी वेरी क्विकली। नो मैटर व्हाट, जो भी हो रहा है, जो भी सामने है, उसकी असली सच्चाई आपको नजर आएगी। और उसकी असली सच्चाई, सत्य, उसका जो तत्सत कहते हैं, अब मुझे ये फ्रेज एक्चुअली पता नहीं था कुछ दिनों पहले, ओम तत्सत कहते हैं ना, ओम तत्सत, तो ओम पता था, सत पता था, लेकिन ये तत् नहीं पता था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया कभी कि ये तत् क्या है। किसी को पता है ये तत् क्या है? ओम तत्सत, तत् का मतलब क्या है? आप बहुत बार सुना है ना सबने, ओम तत्सत, ओम तत्सत श्री नारायण, तू पुरुषोत्तम गुरु तू, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है तो हम चूक जाते हैं उसको, मिस होते हैं। और मैंने आज तक इतने दिन तक ये सोचा नहीं था कि ये तत् क्या है, ओम तत्सत। तो तत् का मतलब है परमानेंट, परमानेंट,
परमानेंट या अल्टीमेट या आखिर या फाइनल, तो ओम तत् सत्। तो ये जो सत है वो हमेशा के लिए सत है। ये जो कवर है, कपड़ा है, वो हो सकता है कल फट जाएगा, ये कवर रहेगा ही नहीं, ये कवर का काम ही नहीं कर सकता है क्योंकि अभी फट गया। हो सकता है इसका कलर लाल में से फेड होके सफेद हो जाएगा। तो वो ये जो सत है, ये कपड़ा है, कॉटन है, सैटिन है, जल जाएगा तो ये राख बन जाएगा। तो ये टेम्पररी सत है, ये कलर भी एक टेम्पररी सत है, तत् सत नहीं है इसका। ये यू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट द तत् सत अबाउट दिस इज नॉट द कलर, इट इज नॉट द मटीरियल, इट इज नॉट द रोल, इट इज नॉट द क्लॉथ, इट इज नॉट द फाइनल ट्रूथ। फाइनल ट्रूथ एक ही है, वॉट इज दिस मेड ऑफ मी, इट इज मेड ऑफ मी। इसकी बनावट है मैं, इसका मटीरियल हूं मैं। ये चाहे 50 रूप बदल ले, ये तत् सत रहेगा कि ये इसकी बनावट है मैं, ये बनाया हुआ है मेरे से, तो इसको कहते हैं तत् सत। सो दिस वॉज समथिंग जेनिफर पॉइंटेड आउट, आई थिंक जेनिफर इज ऑनलाइन ऑल्सो एंड शी इज हियर, बट सो थैंक यू फॉर दैट स्मॉल बट वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल ट्रूथ। तो हर चीज में, हर अनुभव में, हर व्यक्ति में उसका तत् सत ढूंढना है, तत् सत ढूंढना है, और उस तत् सत के हिसाब से हमें जीना है। हम नॉर्मली जो टेम्पररी सत है उसके हिसाब से जीते हैं। अभी देखिए, ओके, सो ये अंडरस्टैंडिंग को लेकर, ये एक्सपेरिमेंट को लेकर, ये जो गाना सुना, जो भी आपने अनुभव किया आज, उसको लेकर तत् सत हमेशा के लिए, सुनीता जी बोल रही है एब्सोल्युटली करेक्ट, जो तत् सत है यानी हमेशा के लिए सत है, तो ये जो हमेशा वाला सत है वही हमारा भी सत्य है, सत्य है मेरा भी सत्य, आपका भी सत्य, जो तत् सत है मेरा आपका, वो तत् सत यही है, एक ही है, कि हम एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से बने हैं और एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक ही है। तो ये इस तरह से अगर हम जीते हैं, हमारा लाइफ अगर इस तरह से बनता है, देन दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट, सीधा पाथ, सीधा समाधि का रास्ता यही है, डायरेक्ट पाथ टू अंडरस्टैंड द फाइनल ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग एंड टू लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट, मेक आवर सेल्फ थिंक बी फील एक्ट। जीना है, सोचना है, करना है कार्य उस सत्य को सामने रखकर। फिलहाल ये बैकग्राउंड में है, जो तत् सत है वो छिपा हुआ है। हम जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट में देखा, ये जब कपड़ा आया तो इसका तत् सत हमें नहीं नजर आया। क्या नजर आया? लाल कलर, कवर, पिंक, सैटिन, कॉटन, ये वो सब नजर आया, लेकिन इसका तत् सत हमें नजर नहीं आया। और हमारा दोष नहीं है क्योंकि ऐसे हम पले हुए हैं, ऐसे हम जीते आए हैं 50 वर्ष 60 वर्ष, कितने भी वर्ष जो हम जिए हैं, हमें यही सिखाया गया है, इसका टेम्पररी सत्य हमको सिखाया गया है, इसलिए हमें ये आदत बन गई है कि हमें सिर्फ टेम्पररी सत्य दिखता है, जो तत् सत है वो हमें दिखाई नहीं देता है। सो फ्रॉम नाउ ऑन गो टू द तत् सत, डायरेक्टली गो टू तत् सत। सो So I want you to, I'll just sing one or two songs, but उसके बाद ये समझने के बाद आपको क्या प्रश्न आते हैं आपके लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में, ये
ये साधना के बारे में या अपने वास्तविक जीवन के बारे में ये सत्य को लेकर क्या प्रश्न आपको आते हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ. और लेट अस एक्सप्लोर टुगेदर, लेट अस सी डीपर, क्योंकि जितने आप प्रश्न पूछेंगे अपने आप से या सबको, उस उतना ये जो तत्सत है वो आपके जहन में, आपके मन में, आपके दिमाग में एस्टैब्लिश होते जाएगा. तो आपको मैं इनवाइट करता हूं कि ये अभी ये सॉन्ग जब बज रहा है सुनते जाइए, लेकिन आपके मन में ये सत्य को ये समझने के बाद या ये अनुभव करने के बाद, क्योंकि अभी आपने अनुभव के तौर पे देखा है कि आपका अनुभव है कि हाँ ये मैं ही हूं, तो वो जानने के बाद क्या प्रश्न आते हैं आपको, वो मैं सुनना चाहता हूं और उसी को लेकर हम आगे जाएंगे. ओके, सो कीप सम क्वेश्चंस इन योर माइंड एज वी हियर दिस. अरे व्हाट इज दैट सॉन्ग बाबा, धड़क का, जो किसी ने सुना होगा तो याद कराना मुझे जरा. धड़क फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है क्या है? किसी को याद है धड़क? हाँ आ गया, आ गया. ओके, सो दिस इज अ सॉन्ग अबाउट, ये धड़क फिल्म में रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन आप अभी इसको एड्रेस करिए टू दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. एक तरफ मैं हूं, यानी ये छोटा सा मैं, छोटा वाला मैं जिसका नाम संजीव है या चित्रा है या चंद्रा है या महेश है या ऋषाली है, गोविंद जी है, नम्रता है, ये छोटा वाला मैं, शंकर है, दिनेश जी है, मीनाक्षी जी है, चैतन्य, जिग्ना, जेनी, वेंकटेश, ऋषाली, विद्याधर, कविता, ये छोटा सा मैं है. और ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये छोटा सा मैं तत्सत है या टेम्पररी सत्य है, ये मैं आपको पूछता हूं. टेम्पररी और इटर्नल? छोटा वाला मैं, छोटा वाला टेम्पररी, टेम्पररी है, टेम्पररी, बिल्कुल टेम्पररी है. कल कुछ साल पहले था ही नहीं, अभी है, कुछ साल के बाद नहीं रहेगा या कुछ, क्या कुछ पता नहीं, टेम्पररी है. लेकिन ये जो यूनिवर्सल सत्य है मेरे बारे में कि मैं जो हूं वो, तो ये जो गान गीत है उसको आप, ये छोटा वाला मैं बड़े वाले मैं से बात कर रहा है. ओके, ये ध्यान में रखकर ये गीत सुनना. अभी छोटा वाला मैं बड़े मैं को ये कह रहा है. मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की, तेरा मिलना लिखा मुझे इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना.
कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली जाऊं छोड़ के। तेरे ही लिए लाऊंगी पिया सोलह साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना दूर बारीक है सात जन्मों की ये पहली तारीख है दूर का मैं हूँ एक सिरा और तेरा है दूसरा जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ ताली बजा सकते हैं दिखेगी तो सही कम से कम। सुनाई नहीं देगी तो भी ग्रेट थैंक यू थैंक यू। तो ये गीत शायद आपने सुना होगा पहले सुना है कितने लोगों ने सुना है काफी लोगों ने सुना है हाँ काफी लोगों ने सुना है तो ये गीत सुना है लेकिन ये जो मीनिंग है अभी आज आपको कुछ अलग ही सुनाई दे रहा है यस और नो अलग ही चीज है और ये जो बात है ना कि जब ये छोटा मैं बड़े मैं से मिलने जा रहा है तो जो अंतरा के शब्द है वो देखिए कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के यानी मैं सज धज के अपने आप को तैयार करके जा रहा हूं उस बड़े मैं को मिलने के लिए जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली जाऊं और छोड़ के तेरे ही लिए लाई मैं पिया सोलह साल के सावन जोड़ के यानी क्या ये छोटे मैंने जो सोलह सालों की सावन की साधना की है वो जुटा कर मैं आ रहा हूं आपके पास सोलह साल के सावन जोड़ के आपने इतने सालों में जो भी साधनाएं की है प्राणायाम की है मेडिटेशन किया है सेवा की है जो भी किया है आपने वो सालों की साधना को जुटा कर आप ये छोटा मैं बड़े मैं को मिलने जा रहा है सो ब्यूटीफुल अमेजिंग वर्ड्स। आराम से आप इसको बाद में फिर से सुनना कभी भी टाइम मिले इनक्रेडिबल वर्ड्स इनक्रेडिबल लिरिक्स प्यार से थामना डोर बारीक है सात जन्मों की ये पहली तारीख है प्यार का मैं हूं एक सिरा डोर का मैं हूं एक सिरा और तेरा है दूसरा जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना सी हैप्पीनेस इज नथिंग बट मेकिंग दैट कनेक्शन एंड लिविंग विद दैट कनेक्शन जब ये छोटा मैं जाके बड़े मैं से कनेक्ट हो जाता है तो आनंद ही आनंद इज अ ऑटोमेटिक रिजल्ट और वो धागा जोड़ने के लिए बहुत दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है
सिंपल फोर क्वेश्चंस, जो भी अनुभव आपके सामने आ रहा है, ये तीन या चार सवाल अपने आप को पूछिए, जो भी मेरे सामने है उसका तत्सत क्या है, ये पूछिए अपने आप को। और जो भी ऊपर वाले सरफेस लेवल जो भी जवाब आएंगे उनको रिजेक्ट करते जाइए। अब टेस्ट ये है, आप पूछिए अपने आप को कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये परमानेंट है या टेम्पररी, तो आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। अगर आपका जवाब टेम्पररी है तो उसको छोड़ दीजिए, तो आप तत्सत तक नहीं पहुंचे। फिर पूछिए, टेम्पररी है तो छोड़कर वापस पूछिए इसका तत्सत क्या है, कुछ जवाब आएगा। फिर पूछिए ये टेम्पररी है या परमानेंट, टेम्पररी है तो छोड़ दीजिए। फिर पूछिए, जब तक आपको उसका परमानेंट जवाब नहीं मिलता है, और ये जवाब आपको तीन चार स्टेप में मिल जाएगा, कोई 20 साल की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, चार पांच सवाल में ये तत्सत को आप पहुंच जाएंगे। तो और वहां पहुंचने के बाद उसी के साथ इंटरैक्ट करना, वो तत्सत जो है उसके साथ डील करना। और उसके साथ जब आप डील करते हैं तब आप देखिए आपकी इंटरैक्शन की क्वालिटी, और आपके उस क्षण में या उस अवसर में आपकी इंटरैक्शन की क्वालिटी और आपके जो आपका जो अनुभव है उसकी क्वालिटी में क्या परिवर्तन आता है वो आप ऑब्जर्व करिए। और जितना आप ऑब्जर्व करेंगे आप उस इस प्रोसेस में एस्टैब्लिश होते जाएंगे, क्योंकि आपको ये फीडबैक मिलेगा ब्रह्मांड से कि वाह क्या मजा आ गया। जब आप तत्सत के साथ डील कर रहे हैं तो आपका अनुभव अद्भुत रहेगा, हर टाइम हर चीज के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर पल में। और फीडबैक आपको यूनिवर्स देगा कि वाह बहुत आनंद मिला। और जितना आप आनंद मिलेगा और जितना आप अपने आप को पूछेंगे इसका तत्सत क्या है, आपका ये ज्यादा और ज्यादा परमानेंट होते जाएगा। और ऑटोमेटिक ये जो आदत है अभी आपकी कि हर चीज का जो टेम्पररी सत्य है वो दिखता है, वो आदत रिप्लेस हो जाएगा और ये दूसरी आदत आपको आ जाएगी कि क्विकली और हमेशा और इंस्टेंटली आपको तत्सत दिखता है। सो ब्यूटिफुल, सो ये प्रोसेस आप फॉलो करिए एंड सिंपली एंजॉय फ्रॉम नाउ ऑन। ओके ब्यूटिफुल, तो वास्तव में ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद क्या प्रश्न आते हैं मैं आपसे सुनना चाहता हूं। सो प्लीज आस्क। हाँ अमृता शिंदे इज आस्किंग, हाँ रिलेट दिस लर्निंग टू SSY प्लीज, गुरुजी's टीचिंग्स। ओके अमृता, वेर आर यू, लेट मी सी। अमृता आपका वीडियो ऑन है क्या? नहीं नहीं ऑन नहीं। ओके बट आई थिंक नो प्रॉब्लम, बट अनम्यूट कर सकते हैं आपने आपको। अमृता जी आप बोल रहे हैं? अच्छा नाम अमृता है लेकिन बोल के और रहा है, कौन है? हु इज इट? प्रवीण शिंदे। रोहित प्रवीण शिंदे। रोहित प्रवीण शिंदे। प्रवीण शिंदे, ओके सॉरी। हाँ तो प्रवीण जी आपने सही सवाल किया है कि इसका SSY के साथ क्या कनेक्शन है। तो आपने SSY किया होगा आई एम अज्यूमिंग, प्रवीण जी किया? यस यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। नहीं सभी ने नहीं किया है बट ओके। सो प्रवीण जी आपको बॉडी क्लास याद है? यस आई एम नोबडी। नो नॉट आई एम नोबडी, इज द बॉडी माइंड और आई एम, एम आई द बॉडी और इज द बॉडी माइंड? Yes. करेक्ट, वो याद है ना क्लास? Yes, yes. तो अब हमने गुरुजी ने वो बॉडी को लेकर बॉडी का सत्य के अंदर हम गए थे कि ये जो मैं शरीर देख रहा हूँ ये क्या देख रहा हूँ मैं,
तो आपने अपने आप को पूछा कि ये शरीर है, कौन है आप, कौन है, आपने बोला प्रवीण। तो अगर आप यही सवाल, चार पांच सवाल वापस अपने आप को पूछेंगे कि क्या प्रवीण परमानेंट सत्य है या टेम्पररी है, आप बताइए। टेम्पररी है, क्लियरली। तो और आगे देखेंगे तो क्या सत्य है प्रवीण के बारे में, प्रवीण के बारे में, प्रवीण का सत्य क्या है कि आपको अनुभव हो रहा है मेरे शरीर के बारे में, कुछ ना कुछ आपको अनुभूतियां हो रही है कि मेरा, मेरे हाथ है उसको मैं फील कर सकता हूँ, मेरे आंखों में कुछ आ रहा है तो मुझे ये इंद्रियों से कुछ अनुभव हो रहा है। तो ये शरीर का सत्य, ये स्थूल जो दिख रहा है वो नहीं है, लेकिन उसका सत्य है अनुभव। के तो बोलेंगे कि ओके अनुभव, तो क्या ये अनुभव तत्सत है या टेम्पररी है, वो बताइए आप। अनुभव टेम्पररी है या परमानेंट? परमानेंट। कौन बोल रहा है परमानेंट? हाँ चित्रा जी, परमानेंट नहीं, ये अनुभव भी आते जाते हैं ना, शरीर का अनुभव भी आता है जाता है। आप सो जाते हैं तो शरीर का कोई अनुभव नहीं है, चला गया। सपने में है तो कहीं और आप पहुंच जाते हैं, शरीर का अनुभव भी आ रहा है और जा रहा है। इट इज अ टेम्पररी एक्सपीरियंस। तो ये अनुभव, शरीर का अनुभव भी टेम्पररी है। तो और आगे पूछिए अपने आप को, ये अनुभव अगर तत्सत नहीं है मेरे बारे में, तो जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो सामने देख रहा हूँ, ये अनुभव जो है, ये अनुभव मुझे जो हो रहा है, उसका तत्सत क्या है? देखिए हर क्वेश्चन में नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछना, ये अनुभव किससे बना हुआ है? प्रवीण जी आप बताइए, ये अनुभव जो है वो किससे बना है? I think past experience and the condition of the body. Body is growing, no? Name was given when you were born. The name is same for so many years. Correct. Body has undergone changes for the, over the year. It has gathered some experiences. Correct. No, but just stay with this new line of questioning that I'm offering you. So the new line of questioning is, what is the truth about my body? Is the body permanent or temporary? It is not permanent. Okay. No, it is not permanent. But the name is not permanent. No, today, I mean, somebody can change their name also. Affidavit bana ke naam badal do. Ya aap nahi hai, to aapka naam bhi gaya, aapka shareer bhi gaya, sab bhi gaya. Right? So that is also temporary. So all I know is my experience. Makes khatri ya, jo bolte hai na, Gujarati mein bolte hai, chhati thoki ne kahi shaku. Ke mujhe ye anubhav ho raha hai. ओके, छाती ठोक के, सीना तान के आप बोल सकते हैं मुझे अनुभव हो रहा है, लेकिन वो भी टेम्पररी है। तो ये अनुभव जो है वो किससे बना हुआ है? जिसको हो रहा है। हाँ, जिसको अनुभव हो रहा है उसी से ये अनुभव बना है, और जिसको ये अनुभव हो रहा है, जिससे ये अनुभव बना है, वो टेम्पररी है कि परमानेंट है? परमानेंट है, क्योंकि उसके आने जाने का कोई हमने कभी अनुभव नहीं किया कि वो आया, कि अब पहले नहीं था अभी आया, और अभी है बाद में नहीं है। उसका टेम्पररीनेस का कोई हमें कभी भी अनुभव हुआ नहीं है, उसका परमानेंस का ही अनुभव है। तो जो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि बॉडी क्लास जो है गुरु जी का SSY में, उसी को लेकर हमने अभी उसको थोड़ा एक्सपांड किया है कि ये जो बॉडी के बारे में सत्य है वो हर चीज को अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज जो आपके सामने आती है उसका जो टेम्पररी सत्य है उसको छोड़ते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके तत् सत को पहुंचेंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक चीज, हर एक अनुभव के तत् सत पे तब जाएंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे ऑफ डिवाइन, ऑफ नोबडीनेस, ऑफ एवरीबडीनेस, ऑफ ओकेनेस, ऑफ डिवाइनिटी, वही पहुंचेंगे। सो दैट इज द कनेक्शन बिटवीन SSY एंड व्हाट वी आर सेइंग। यू गॉट इट? ओके, यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, किसी और ने प्रश्न पूछा, लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन। मैं क्षण भंगुर है सत्य अहम ब्रह्मास्मि है, दैट इज अनदर करेक्ट, दैट इज ऑल्सो सेम, हाँ, that is also same understanding. But मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये अभी आप सिंपल अनुभव पे लीजिए, जैसे कोई टीवी चल रहा है, चैनल चल रहा है, कहानी चल रही है, तो टीवी का तत्सत क्या है? वो कहानी नहीं है, वो स्क्रीन है, वो स्क्रीन वही का वही है। आप चैनल बदल दो, टीवी बंद कर दो, आप कोई भी नेटफ्लिक्स पे चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, स्क्रीन परमानेंट है, यू अंडरस्टैंड। तो लाइफ का जो स्क्रीन है उस पर पहुंचना है, जो कहानी चल रही है उसकी गहराई में जाकर ये कहानी का, कहानी के पीछे क्या है, कहानी के पीछे कौन से पर्दे पे ये कहानी चल रही है, वहां जाना है। ब्यूटिफुल, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सो और एनी अदर क्वेश्चंस? सी वी हैव टू लिव लिव लाइक दिस, ऐसे जीना है। हाँ दिनेश जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। हाँ बोलिए। कि एक बोलते ना एनर्जी है, बोल भी शब्द क्या था, एनर्जी, तो मैं एनर्जी और एक हमको इसको हमें शब्द हम बोलते हैं नोबडी, कि मैं कुछ नहीं हूं, तो एनर्जी और नोबडी में क्या फर्क? मैं शक्ति, कि मैं एनर्जी हूं या फिर नोबडी हूं, तो उसमें भी वो कंफ्यूजन होता है थोड़ा। ओके हाँ हाँ, तो एक्चुअली है ना, आप वो जो जगह है या जो क्षेत्र है उसे आप, उससे आपको कौन सा नाम कंफर्टेबल लगता है वो नाम दे दीजिए। मतलब कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है वहां पे फोकस कीजिए, उसका नाम क्या है जाने दो, कहाँ जाना है वो क्लियर करिए पहले, कहाँ जाना है आपको। मैं अगर आपको दिनेश जी पूछता हूं कि इस वक्त मेरी आवाज आ रही है आपको, हाँ या ना? आ रही है, तो ये आवाज किसे आ रही है, ये आवाज के बारे में आप जानते हैं, ये आवाज आ रही है आपको पता है, पता है आपको, करेक्ट? तो मैंने पूछा ये आवाज आ रही है ये आप जानते हैं, हाँ या ना? मैंने पूछा, एक सेकंड का पॉज लिया आपने और फिर बोला हाँ मुझे पता है कि ये आवाज आ रही है। तो आपने कहीं पे जाकर आपने चेक किया आपने आपके अंदर कि मैं जानता हूं क्या ये आवाज आ रही है, मैं जानता हूं, हाँ। वह उस जगह को आपने पूछा, टटोला कि क्या मैं जानता हूं ये आवाज आ रही है, और आपको जवाब मिला हाँ, और आपने मुझे कहा हाँ, तो वो जगह जो है, वो क्षेत्र जो है, उसको आप ऊर्जा कहो, उसको आप नोबडी कहो, उसको आप एवरीबडी कहो, उसको आप डिवाइन कहो, उसको आप अल्लाह कहो, उसको आप राम कहो, उसको आप कृष्ण कहो, उसको आप मैं कहो, जो नाम देना आपको जो पसंद आता है वो नाम दे दो। लेकिन क्लैरिटी ये बारे में रखो, दो चीजें हैं, क्लैरिटी ये रखिए कि मैं उसी चीज को नाम दे रहा हूं जिसको मैंने छुआ एक पल के लिए, उसको मैं ये नाम दे रहा हूं और उसी को पूछना है, ये एक क्लैरिटी है। दूसरी क्लैरिटी ये रखिए कि ये जिसको मैंने पूछा और अनुभव किया एक क्षण के लिए, वो ही जगह है जहां मैं पहुंचता हूं जब मैं ये सवाल पूछता हूं अपने आप को। मैं अपने आप को अगर पूछता हूं कि मैं क्या जानता हूं कि ये आवाज आ रही है, और मैं अपने आप को पूछता हूं और देखता हूं हाँ मैं जानता हूं, तो वो जगह पे जहां मैं गया और वो जगह जहां आप गए, वो दो जगह है नहीं है। दिनेश एक है, संजीव एक है, चित्रा एक है, चंद्रा एक है, लेकिन वो जगह एक ही है और उसको आप जो नाम चाहे दे दो। क्लियर? Whatever you feel, it doesn't matter. Energy कहो, nobody कहो, everybody कहो, consciousness कहो, awareness कहो, knowledge, knowing कहो, God कहो, Allah, Ishwar, Ram, वही है।
but be clear what it is. It is that. That कहते हैं. See, the only danger with giving fancy name is that we lose sight of that and we get caught up in this. उसकी जो temporary qualities है उसमें हम क्या बोलते हैं entangle हो जाते हैं. जितना फैंसी नाम दोगे उतनी उस एनर्जी उस जगह की प्रॉपर्टीज में आप उलझ जाते हैं. आप कृष्ण कहो तो एक इमेज है आपको कृष्ण के बारे में, यू नो, अच्छा इमेज है, मैं आई एम नॉट सेइंग ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज, फिर भी वो इमेज में जुट जाते हैं रादर देन द दैट स्पेस विच इट इज. सो डाओ में या सम पीपल जस्ट कॉल इट दैट That, उसको नाम ही मत दो. That, I am that. That क्या है? छोड़ दो. मुझे पता है वो that क्या है. बस. So, but anyway, you can use whatever name. Beautiful, very nice question. Thank you. और देखें एक आठ पार में भाई एक बार चिंचा खाने ना प्लेट उसे थोड़ा सा गद्दी खाए जो निकम आएगा. एक मिनट आप कुछ पूछ रहे तो आप अनम्यूट कीजिए वरना म्यूट पे रहिए. ओके ग्रेट. व्हाट एल्स? Any other question? Is this seeing godliness in everyone, whether a human being or a thing or a matter? See, this is why we learned, seeing godliness in everyone. Correct, correct. Is it the same you are saying? Is it the same in everyone? Yes, yes. Correct, correct. Ah, very nice. Beautiful question, Praveen ji. Continuous kaisa experience karta rahe? Haan, exactly. Okay, so two questions. Ye godliness same hai kya? That is one question. Aur iska continuously anubhav kaise kar sakte hain? Kyunki jante hain lekin anubhav kaise karte hain? Ye do question. So first question, let us see. So is it the same? देखते हैं तो अभी मैंने जब दिनेश जी को कहा कि जिस जगह को आप छूते हैं द स्पेस और दैट फील्ड विच यू आर टचिंग इज द सेम एज माय फील्ड दैट आई एम टचिंग इज द सेम फील्ड योर फील्ड एंड माय फील्ड. हाउ डू आई नो दिस? हाउ डू वी नो फॉर श्योर दैट इट इज द सेम? दैट इज प्रवीण जी क्वेश्चन. ये सेम है कैसे मालूम? हो सकता है मेरा एक फील्ड है, मेरा एक कुछ अनुभव है, मेरा जो क्षेत्र है या मेरे जो भगवान है वो एक है और आपके एक और भगवान है. तो इसके मैं दो 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 जवाब दूंगा. दो एंगल से देखते हैं इसको. नॉट टू आंसर्स बट टू एंगल्स फॉर द सेम थिंग. सो फर्स्ट एंगल, आप अगर देखते हैं अपने आप के अंदर उस जगह को, प्रवीण जी आप अगर आप देखते हैं अपने आप को कि इफ आई आस्क यू कि क्या आप इस वक्त आर यू अवेयर राइट नाउ, व्हाट वुड यू से? समवॉट नॉट. नहीं, आर यू अवेयर? सिंपल अवेयर. यस यस यस. अवेयरनेस को जादुई बात नहीं कर रहा हूं. यस अवेयर ऑफ माय वॉइस. यस अवेयर इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू आर अवेयर राइट नाउ, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग. यू आर अवेयर, करेक्ट? सो when I ask you the question, are you aware? And then after a moment pause, you say yes. You went somewhere inside to check, am I aware? And you find, yes, I am aware. Okay. So, answer aaya, yes, I am aware. So now, if you just look at that field or wo jagah jo hai, wo kshetra jo hai, usko aap thoda sa देखेंगे कि इसके क्या गुण है, क्या इसकी कोई सीमा है, कोई बॉर्डर है क्या, या इसको कोई कलर है क्या,
या इसको कोई शुरुआत या अंत है क्या, इसकी साइज क्या है? तो मैं अगर आपको पूछता हूं, वो जगह जो आपने एक पल के लिए छुई जब मैंने पूछा आर यू अवेयर, व्हाट इज द साइज ऑफ दैट स्पेस, इज देयर एनी लिमिट टू योर अवेयरनेस? नो, इट इज इनफिनिट. इट इज इनफिनिट. Infinite. And you can be aware of this phone that may be in your hand, which is only 1 foot away, and you can also be aware of me who is sitting in Mumbai somewhere in one corner, maybe a few kilometers away, or somebody, a star, maybe hundreds of light years away. उसका भी awareness आपको आ सकता है. तो वो जो क्षेत्र है जिसमें awareness आती है और जाती है, उस जगह को कोई limit नहीं है. Clear? तो मैं अगर मैं अपने आप को पूछता हूं कि ये मेरा जो क्षेत्र है उसकी साइज क्या है, वो कितनी बड़ी है, मैं भी कहूंगा कि ये इनफिनिट है. क्लियर? सो आई एम सेइंग माय स्पेस इज इनफिनिट एंड यू आर सेइंग योर स्पेस इज आल्सो इनफिनिट. नाउ आर दीज टू स्पेस इनफिनिट स्पेसेस, टू और वन? दैट इज द क्वेश्चन. सो सिंपल क्वेश्चन आई विल आस्क यू, how many infinite things can there be? अगर कोई चीज infinite है तो ऐसी कितनी infinite चीजें हो सकती है in existence or in reality? How many things can be infinite? Can two things be infinite? No, infinite can be only one. Infinite can be only one because अगर हम कहते हैं कि आपका infinite इधर है और मेरा infinite इधर है, अलग है, तो जो आपका इन्फिनिट है उसके बाहर भी कुछ है. उसका मतलब ये हुआ उसके बाहर कुछ है, और अगर उसके बाहर कुछ है तो ये इन्फिनिट नहीं है. अगर इन्फिनिट है तो ये भी इसके अंदर ही होना चाहिए, और अगर ये इन्फिनिट है तो ये भी इसके अंदर ही होना चाहिए. यानी ये दो इन्फिनिट साथ में एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है. ए इन्फिनिट एक ही हो सकता है. यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन आई से गॉडलीनेस, सीइंग गॉडलीनेस इन एवरीवन, देयर इज नो वे दैट माय गॉडलीनेस इज डिफरेंट देन योर गॉडलीनेस, और देयर आर टू गॉडलीनेसेस, देयर कैन बी ओनली वन गॉडलीनेस. क्लियर? देयर इज ओनली वन. Only one godliness. That consciousness which I, it is just like ये जो space है, ये जो space में मैं बैठा हूँ, वो मेरा कमरा है, मेरी room है. आप जिस जगह में बैठे हैं वो आपकी room है, आपकी जगह है. लेकिन दोनों की जो space है, इसको मेरे space को ये कमरा है, ये boundaries है. लेकिन ये space जो है, जो कमरे से उसका कोई, दीवारों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो इन्फिनिट है. वो मेरी स्पेस और आपकी स्पेस दो अलग स्पेस है या एक है? एक है. यू अंडरस्टैंड? या. सो देयर इज ओनली वन. सो दैट इज व्हाट आई वांट. नाउ दिस इज वेरी रिलेवेंट इन प्रेजेंट कोरोना वायरस सिचुएशन वेयर any outward expression of love by hugging and all that. So, I think the prayers form in this domain. What we pray, prayers also do the same thing. We are remotely, it's an astral journey to everyone, to this world. Perfect. We pass on all the good feelings. Perfect. Right? That's what perfect. I gather from this. Perfect, perfect, beautiful. Because really, there will be very, in SSY culture, in times to come, there will be a lot of limitation of hugging and meeting. So this concept we carry on, like we can pass on the love remotely to all our friends and relatives and well wishers, everyone, to the entire world. I mean, usko expand kar do, well wishers and bad wishers also, let us give love. Well wishers ko to dena hi dena hai, but all of them, because even the bad wishers, so-called bad wishers, they are also the same godliness. In the end, unka bhi tat sab yahi hai. So, सबको, सभी को यही, और ये SSY का knowledge is an opportunity.
नहीं आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी, आप वापस बोलिए. Whether living object, any material object. Nahin, to any material object, immaterial object, living, non-living, to everything. We will give love to everyone, whether a living person or a material person. So we'll pass on this love to everyone. And everything. Correct. And that brings me to the second aspect of this. Ki ye har pal mein anubhav kaise kare hum, jo Dinesh ji ne pucha. ये एक है एवरीवन इज गॉड एवरीबॉडी इज मी ओके अंडरस्टूड एक्सपीरियंस बट हाउ टू मोमेंट इसको कैसे अनुभव करेंगे. तो यही मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक ऑटोमेटिक फीडबैक लूप है कि जितना आप ये यूनिवर्स को इस तरह से जिएंगे कि आप एक है मैं और आप एक है वैसे जिएंगे, जितना आप उस तरह से जिएंगे यूनिवर्स से आपको उतना फीडबैक मिलते जाएगा कि यस यू आर राइट यू आर राइट यू आर राइट. और जितना ये फीडबैक लूप पक्का होते जाएगा ये मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा. दैट इज हाउ वी लिव दिस नॉलेज. यू आर गेटिंग इट? गुड. Okay. Any other questions? Maybe one last question before we close. Or everything is clear? तो ये जब when this becomes clear to you and obvious to you कि ऐसे जी सकते हैं हम with this understanding, then ये song जो है this is about that state, उस अवस्था में. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक हमको गले से लगाया है ना. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. ऐ जिंदगी हमने बहाने से छुपे जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया. हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया. तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी. ला 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 ला. तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. ऐ जिंदगी.
Okay. Wonderful. So, repeat SSY, SSDSC as you go deeper into sadhana. It's easy, great. Guruji, we love you. तरीके से आपने बताया और साथ साथ में गाने में भी जो गाना बजाया इतना दिल को छू गया, ऐसे लगे कि बार बार वो गाने को गुनगुनाए। और सही मानों में अभी जो सिचुएशन भी जो हो रही है, तो जो भी है अपनी जिंदगी है और उसको एंजॉय करना है गुरु जी भगवान जो जिंदगी को एंजॉय है। और बहुत अच्छी तरीके से आपने डीप लेवल पे आपने बताया ब्रह्मास्मि तत्वमसि के बारे में, तो I am very grateful.